नगर पालिका ने कलेक्टर के निर्देश अनुसार कोविड-19 का पालन कराया, जो कि सब्जी मंडी विक्रेता के लोगों के नियमों से हटकर अधिक जगह पर स्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाया गया। जबकि दुकानदारों का कहना है कि हमें कोई भी सूचना पूर्व में नहीं दी गई थी। जब इस विषय में नगर पालिका CMO रमाकांत शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं एक व्यापारी को व्यक्तिगत बुलाकर सूचना दी है, सारे व्यापारी झूठ बोल रहे हैं और यह सारी कार्यवाही कोविड-19 नियमों का पालन करवाने के लिए की गई है। सभी को समान 27 दुकानदारों को जगह चिन्हित कर दी जाएगी। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान SHO नगर पालिका बालमुकुंद कुशवाहा कई व्यापारियों से जमकर अतिक्रमण को हटाने के लेकर बहस भी की गई। सिरोन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश है, मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और क्या नाम मास्क लगा के लोग खरीदी करें और विक्रय करें। तो जो अभी मंडी में जो वर्तमान जगह है वहाँ एक व्यापारी 100x100 की जगह घेरे, एक व्यापारी 50x50, 3 व्यापारी पूरी जगह, इसलिए उनका सबका अतिक्रमण हटा के जितने 27 व्यापारी हैं हमारे यहाँ उनको नाप करके अलग जगह थोड़ी मतलब इतनी दूरी पर दी जाएगी कि कोविड-19 के जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस दृष्टि से मैंने आज उन लोगों के अतिक्रमण हटाया है, जारी रहेगा। अस्थायी अतिक्रमण था, अस्थायी नहीं था। इसके बाद अब उसको नाप तोल करके उन सभी 27 लोगों को अलग अलग जगह दी जाएगी, जिससे कि है वो जो भीड़ आती है वो भीड़ डाइवर्ट हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करा सके, इसके लिए उन लोगों को हटाया। सर इसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वहाँ के पहले नोटिस नहीं दिया गया, इसमें ये जानकारी नहीं दी गई। नोटिस काहे का दे, मतलब सामान आपकी जगह थोड़ी है, सास की जगह में आप नगर पालिका से पूछ के बैठे थे क्या? नगर पालिका को भाई अस्थायी अतिक्रमण था, स्थायी थोड़ी था, अस्थायी था, जारी लगा रखी थी उनको 10 दिन से लगातार वो झूठ बोल रहे हैं व्यापारी वर्ग। मैंने व्यक्तिगत रूप जाके एक एक व्यक्ति को बोला कि भैया हटा लो, 10 दिन से हम लगातार बोल रहे हैं कि हटा लो। उनने 2 दिन का हमसे टाइम मांगा, हमने 2 दिन का टाइम दिया, फिर उनने 2 दिन का टाइम मांगा, हमने 2 दिन का टाइम दिया, लगातार टाइम पे टाइम हम देते जा रहे थे। लेकिन चूंकि बरसात आ रही है, हमें मंडी को व्यवस्थित करना है, इसलिए हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और न्यायोचित कार्रवाई, उनको समय दिया, पर्याप्त समय दिया, जब उन लोगों ने नहीं हटाया, इसके बाद हमने जो अस्थायी जाली लगी थी उनको हटाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।